ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਬਲਾ ਨਾ ਜੀ ਭਗਤ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰੀਕਾ ਮਾਰਿਆ ਬੈਠਿਆ ਕਾਮ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੋ ਬਾਤਾਂ ਕੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਸਵਾਦ ਜਾ ਹਮਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਥੀ ਬਤਾਊ दो बात कहा से ना जम के सुना इनू कहा तो ये भाई हम ना राजनीतिक ना हमने राजनीतिक करनी और ये वक्त की बात हो है। कोई भी दरवाजे पाव है ऐसे नहीं कहना चाहिए जैसे भाई साहब ने कहा और ये हवा की बात होती है। बादली सीएम साहब आ रहे थे मैंने जब भी कही थी और उनकी सभा में कांग्रेस की सभा में देवीलाल का जिक्र कर था क्या बात थी वो समय बड़ा बलवान दादा ने यह कहा समय एक ऐसी चीज हो है ताऊ देवीलाल तीन तीन चार चार जगह से खड़ा हो जाता और सारे का जीत जा करता और समय आया जब तीनों जगह से चत उप प्रधानमंत्री होते हुए एमएलए हार गया। वो हंस चल पड़ते हैं जब राजा इंद्र के खाड़े के ऊपर के जा रहे थे तो इंद्र महाराज की बड़ाई कर रहे थे कि मारे लिखे वीर विक्रमा मान सरोवर के साथ ताल अंधन के भंडार भरो थारे मौज उड़ाई 12 साल। राजा इंद्र से पढ़ाई सुनी नहीं गई और उनकी एक हंसनी छीन लेता है। नुबला भाई मारे तो बड़ा कौन हो गया मेरे से कोई ताकतवर है तो इस हंसनी ने छुटवा ले जाएगा जाओ। हंस बेचारे वापस आ जाते हैं। राजा विक्रमाजीत को सारा वृतांत बताया। नुबला अच्छा भाई ऐसा करो तुम थारा जीकर यहाँ रहो थारा जीकर अपने देश में जाओ थारी अंसनी सही सलामत मैं छुटा के लाऊंगा। और राजपाट छोड़ के चल पड़ता है। चलते चलते एक श्याम धाम राजा की नगरी हारा थक्का हुआ था एक भठियारी की सरा में जाता है। वहां एक भठियारी 12 साल के लड़के को नहावे रोवे और उससे कहता है बेबे क्यों रोवे तू इब अनजान आदमी। और उसको बहन कहता है नगरी में कोई हिमाती नहीं दूनी रोन लाग जाए। हर नु बोली तू कौन भाई नु बोली बेबे नु कहने लगा कि बेबे मेरे ताई भगवान ने ताकत दे रखी कि मैं दूसरे के दुख दूर करा करूं। किस प्रकार का तने दुख है सारे दुख गिना दिए बा मन ने बेबे बता दे कौन सा दुख से और क्या कहता है। अच्छा करा करूं याद
ताकत से मेरे हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार था आज के इस रागनी कंपटीशन के मुख्य अतिथि श्री रमेश मलिक जी हमारे बीच में पहुंच गए। जोरदार तालियां बजा करके एक बार भाई साहब का स्वागत करेंगे और कमेटी ए आंसू पूछे कवर नवावे चेरा होया उदास तेरा के सासू ने बोली मारी के बलम बदमाश तेरा नंद जठानी करे लड़ाई गर्म बाज बास तेरा एके देवरियो छापला से और भाई रणबीर 100-100 रुपए इनाम के देते हैं और जिन भाइयों ने इनाम दिया उनका बड़ा बड़ा धन्यवाद। सुविधा कैसेट कंपनी भाई साहब 50 रुपए इनाम के देते हैं भाइयों का बड़ा बड़ा धन्यवाद। भाई रमेश मलिक को हमारा प्रणाम। होनहार नेता है ये इस इलाके के। बांडा पहलवान जी पीपली से 500 रुपए इस पार्टी को इनाम के देते हैं पहलवान जीओं का बड़ा बड़ा धन्यवाद। अशोक ठेकेदार जी 100 रुपए इनाम के देते हैं और जिन भाइयों ने नाम दिया उनका बड़ा बड़ा धन्यवाद। जैसे कि भाई पवन दया ने बताया अब मोबाइल चल पड़े फोन चल पड़े उस टाइम संदेश वह एक ही चीज थी चिट्ठी। भाई पांडे पहलवान जी 500 रुपए पहले 100 रुपए और पहलवान जीओं का बड़ा बड़ा धन्यवाद। बस पहलवान जी पाछे देख लें 700 रुपए पहलवान जीओं ने नाम के दिए भाई साहब का बड़ा बड़ा धन्यवाद। और चिट्ठी एक चीज थी किसी का छोरा फौज फाज में हो पाकिस्तान के लड़ाई हो जाए तीसरे दिन चिट्ठी नहीं आती तकाल जानू का प्या करता। और चिट्ठी भी कई प्रकार की आगरती एक तो पीले चावल ही चिट्ठी आ जा और एक चिट्ठी का कूणा पाट रहा हो तो बोला बेबे कोई कसूती चिट्ठी आ गई के क्या पूछता है बोला। के घनी कसूती
बहनी कसूती चिट्ठी आ गई गोती नाती प्यारे की के आपस में राज छिड़ी हरी साबत भाई सारे की लकड़ी उठा चडगी कोठा दुनिया चोट नकारे की हे मैं आया था ठहरन खतर जगत सरा बढ़िया रे की गातड़ियाली रात बना के गातड़ियाली रात बना के ये सहम दका दिया जेरे सटार कलाकार छोटे भाई अमित मलिक 50 नहीं है कैन क्या ना डरसा लग गया आज काल नहीं पता चलेगा रणवीर बानी का। एक ब्राह्मण दो रबूजा प्राण चली गई पंडित जी ने अंदाजा लगा लिया 11 रुपये चढ़ाए जब एक भाई चूड़ी कोने हाथ में विधवा है ने बोला तने तेरे घर आला सिद्ध है ने बोली लिया मेरे पीछे दे दे पड़े दी उल्टे बोला के बात हुई बोला वो पड़ा पिए वह उस तो बेचारी डरती रोज तोड़ा करता चूड़िया ने डरती ना पहरी रही थी बोला जब छोरी चौधरी रांड एक 10 रुपये की चूड़ी नहीं पहरी जाती बामना जात खराब करती हंडन लाई तो सुबक सुबक है सुबक सुबक है क्यों रोवे के सिर पे खसम गुस्साई ना मैं आया था ठहरन खातेरी तू भी सुखिया पाई ना बहुत देर का अरसा हो गया तो सकदरी बिछाई ना हे कई रोज का भूखा सू मन एक आदमी की वजह से पूरा प्रोग्राम खराब ना करा रो बैठ जाओ भाई बैठ जाओ यो सांग भी जरूरी है भाई बालक से थे जो सांग देखने जा रहे थे गिलजब भी नहीं हुआ करता एक बात होना चाहिए एक उधर सा देखिए नु बोला बेबे मना उषा कुसा मत ला लिए मैं ठिकाने का हूँ और मंगे बामन के ठिकाने भी दो थे जब लोग ने दलिया खाने नहीं मिला करता जब अंग्रेजा राज में कार थी दौर है और एक बात का भी इलेक्शन का दौर है एक बात और बताऊ आपको उसका भाई एमपी था पंडित रामचंद्र और उस समय एक हल्के से दो एमएलए भी थे
बहुत से नेता ने भी नहीं बेरा होगा कि एक हल्के से दो एमएलए हो सकते हैं, तीन भी हो सके हैं। मैं बताऊं तुमने, जब ज्वाइंट पंजाब था जब 32 एमएलए थे, हरियाणा के बट 10 एमएलए आ करते और 10 कैंडिडेट बड़ी मुश्किल से मिल जाया करते, जो खड़ा हो जाया करता उसी ने भेज दिया करते विधानसभा में। ईब आज के टाइम में वर्कर रहे कोई ना, लीडर गिने हो गए। बामन ने कही थी लक्ष्मी चंद सब लीडर हो जाना कोई वर्कर पावे, सदी 20वीं पातशाह लोगो ईसा जमाना आवे। नु बोला बेबे ठिकाने का आदमी हूं, तू साची बात बता दे तने के दुख से, और ठिकाने भी दो कैसे बताया बामन ने बोला। परदेसा में जाके ना आया, बाप बताई सी आईने का, साची बात बतानी चाहिए काम नहीं शर्माने का, ऐसा वैसा मत समझे में मानस छोड़ ठिकाने का, हे पान छी में